स्टार्ट हो गया। लाइट में पूरा दिखती है ना? ओ इसमें आपके ठीक पास नहीं, आते ठीक हैं रहा। ना, अच्छा इसमें अच्छा आती है लाइट, दे दो ठीक। लाइट जला दो। अच्छा आपके पास सेम है, ऐसे नहीं सेम है। सेम है तो ठीक। एक स्टैंड खरीद करके ले आना, क्योंकि इंटरनेट में दे दो ना पहुंचा देते हैं स्टैंड, एकदम पतला, जैसे वो लोग जैसे वो फोटो उठाते ना वो लोग लेते हैं ऐसे ही, इतना कॉस्टली नहीं लेकर एकदम पतला के स्टैंड होता है, जो बहुत कम पैसा मिल जाती है। स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नी गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भजामि राधांगमरविंदनेत्रां स्मरामि राधांगमधुरस्मितास्यां वदामि राधांगकरुणाभराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न क्वापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाज्ञ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री मद्भागवत ग्रंथ। ये ग्रंथराज सम्राट है जिसके लिए बताया गया सर्ववेद इतिहासानाम सार सार समुद्रितम। मतलब है जितने वेद पुराण इतिहास का जो सार सार है, कहती है श्रीमद्भागवत है। कहते तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित। मतलब अगर एक बार कोई भागवत रस का कोई आस्वादन कर लिया फिर तो उसको कोई रस आस्वादन करने की इच्छा नहीं रह जाती। पर भागवत को क्या बताया, अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। मतलब है ये वेद पुराण उपनिषद ब्रह्म सूत्र महाभारत का जो सार है जो भाष्य है ये श्रीमद् भागवत है। हाँ? जिसको बताया निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये भागवत पका हुआ ये फल है। हाँ? इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे ऐसे कोई पुराण नहीं, ऐसे कोई वेद नहीं, ऐसे कोई उपनिषद नहीं जहां पर श्री राधा रानी का नाम नहीं है। सब जगह में श्री राधा जी का नाम है। इसलिए अभी प्रश्न है कि ये श्रीमद् भागवत में फिर राधा जी का नाम क्यों नहीं दिखती है।
डायरेक्ट पढ़ो तो आपको कहीं भी राधा जी का नाम भागवत में नहीं देखने को मिलेगा। बोले सर्वश्रेष्ठ ग्रंथराज सम्राट भागवत ग्रंथ, फिर क्यों देखने को नहीं मिलता है? कल हम लोग ने सुना था ना क्यों नहीं मिलता है, इसका कारण हम लोग ने सुना था कि नहीं? गोस्वामी हाँ, क्या? वो मूर्छित हो जाता हाँ, अच्छे में। इसलिए हम लोग ने कतकल्ला श्रवण किया था। अभी प्रश्न है फिर भागवत में क्यों नहीं, और है तो किस रूप में है? इसलिए हमारी गोस्वामी लोगों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन लोगों ने दिखाया भागवत में राधा जी का नाम कहाँ कहाँ पर है, हाँ? और उन्होंने क्यों क्यों ये नाम को क्यों उन्होंने छुपा करके क्यों ये नाम को उन्होंने किस लिए दिया है, हाँ? इन लोगों ने दिखाया। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जाओ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्तरे तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुझे तुम्हें सिद्धांत तरंग। अगर भागवत पढ़ना चाहते हो क्या करो, बोले सबको पास में भागवत मत सुना करो, वैष्णव को पास में सुनो। बोले क्यों? बोले जत वैष्णवा नाम धनम, ये वैष्णव का ही धन है। और कौन सा वैष्णव है? वैष्णव तो चार तरह के वैष्णव है, चार संप्रदाय में श्री ब्रह्म रुद्र सनक, चार वैष्णव संप्रदाय में सबके सब वैष्णव है। लेकिन कहते हैं एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। अगर भागवत का रस में डूबना चाहते हो क्या करो, महाप्रभु की एकांत रूप में महाप्रभु का शरणागत हो। महाप्रभु की धारा में जो वैष्णव लोग आए इनकी आनुगत्य में भागवत सुनोगे, तो तबे तो बुझेबे तुम्हें सिद्धांत तरंग। मतलब है तभी सिद्धांत का जो लहरी तरंग, मतलब लहरी, और सिद्धांत का जो रस दर्शन है, तभी इसी की रस में तुम प्रवेश कर सकते हो, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि महाप्रभु का जितने भक्त हैं वो सबके सब राधा जी के गण हैं, हैं? सबके सब राधा जी की परिकर है, सबके सब गोलोक वृंदावन। प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु जब आए पूरा निकुंज महल को यहाँ पर उन्होंने उतार दिया, सब मंजरी सखिए ये लोग सब राधा जी की महिमा सब जानते हैं। भागवत में कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में राधा जी का नाम को दिया गया, क्यों इसका नाम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् मतलब क्या? भले राधा जी की प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत है। राधा जी की मद मतलब प्रेम, मतलब भागवत नहीं, ये भागवत ग्रंथ संपूर्ण राधा जी की प्रेम है। गुरुदेव उसका उदाहरण देते हैं, साधारण लोग कहते हैं ये जो भागवत ग्रंथ है वो कृष्ण प्रकर ग्रंथ है, इसमें कृष्ण की महिमा गाए, लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं, बोले नहीं ये कृष्ण परक ग्रंथ नहीं, ये श्रीमती राधा परक ग्रंथ है। बोले कैसे कैसे? तब तो उदाहरण देते थे कि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये स्वयं कृष्ण स्वरूप है। कदि जो प्रथम द्वितीय स्कंध भगवान की दो चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की दो उरु, पंचम स्कंध भगवान का नाभि, षष्ठ स्कंध भगवान की बक्षस्थल, हैं कि षष्ठ सप्तम स्कंध कहते ये भगवान की दो भुजा, कहते सी अष्टम स्कंध भगवान की बक्षस्थल, नवम स्कंध भगवान का कंठ, दशम स्कंध भगवान की मुखारविंद, एकादश स्कंध भगवान का ललाट, और द्वादश स्कंध भगवान का सर, ये शरीर पूरा भागवत है। कहते उसी तरह भागवत, कहते भैया उसकी मुखारविंद कौन सा? बोले दशम स्कंध। जैसे हम एक व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे, उनका पूरा शरीर अगर सर ढक दो ना, पूरा शरीर दिखाओ, पहचान नहीं पाओगे। लेकिन किसी को भी दिखाना जरूरत नहीं, केवल उसकी मुखारविंद, ये माता जी है, अनंग मोहिनी दीदी, पता कैसे चलता है? हम क्या देख करके उसको पता चलता है ये अनंग मोहिनी? शरीर को देख करके ना, मुंह को देख करके? कहते उनको मुंह को देख करके पता चलता है ये श्री अनंग मोहिनी दीदी अभी। लेकिन वो दुखी ना सुखी कैसे पता चलेगा, हैं? अगर मुंह लटका हुआ हो पहचान जाएंगे ये दुखी है, अगर हंसते हुए हो, हाँ, मुंह अगर खिलता हुआ हो पता चलेगा क्या ये खुशी है। कहते उसी तरह कहते दशम स्कंद भागवत का मेन जो पार्ट है और उसमें जो रासलीला क्या है,
कहती भगवान की हंसी ये रास लीला है, हंसी है, हंसी रास लीला। अभी जो रास लीला है यही भागवत का सार, इसलिए कहते उसमें जो पांच अध्याय रास लीला में जो पांच अध्याय, भले ये भागवत का पंच प्राण है, जैसे एक व्यक्ति है लेकिन उसका प्राण नहीं है फिर क्या है, बेकार है, पूरा शरीर बेकार है, हैं? इसलिए सब बेकार है सब ये, इसलिए कहते पंच प्राण ही ये रस रास लीला है, पंच प्राण भागवत का यही सार है। कहते भैया ये पंच प्राण में भागवत जो रास लीला, रास मतलब क्या, जहाँ पर रस नाम समूह, जहाँ पर केवल रसी रस है, हैं, जहाँ पर रसी रस है सार, लेकिन रास लीला का सार कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी, इसलिए रासेश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी ही रासेश्वरी है, क्योंकि जब रास हो रही थी वहाँ पर कृष्ण भी थे, सब गोपियाँ भी वहाँ पर थी, लेकिन जब श्री राधा रानी रास छोड़ करके चली जाती है और रास टूट गया, कृष्ण स्वयं थे, दूसरा सखियां भी थी, लेकिन रास असंभव है, क्यों, रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी चली गई। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब रास लीला को प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले श्री राधा रानी की चरण की वंदना करते हैं, बोले भगवान अपिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्सरंतु मनश्चक्रे जोग मायांग मुपाश्रिता, हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि तो उन्होंने जो रासलीला को की कैसे, बोले जोग मायांग मुपाश्रिता, मतलब जोग माया को आश्रय करके उन्होंने रासलीला की। कहते भाई यहाँ पर मूल जोग माया कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी, इसलिए जब रासलीला होती है वृंदावन में राधा रानी रत्न सिंहासन पर बैठे हुए होती है, हैं, सब उनको सब सखियां होती हैं, और श्याम सुंदर जा करके सखियों के साथ में श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो रास का समय हो गया है, आओ कृपा करके हे रासेश्वरी आओ रास में आप पधारो। कौन किसको बोलते, कृष्ण राधा रानी को बुला करके लाते हैं, क्योंकि उनके बगैर रास असंभव है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने श्री राधा रानी की चरण को वंदना करते हुए सुखदेव गोस्वामी ये रास को प्रारंभ करते हैं। इसलिए भागवत में सर्वत्र श्री राधा जी का नाम है, इसलिए जब भागवत का शुरुआत करते हैं, हैं, जो पहला श्लोक है, बोले जन्मादस्यचतन्नयादितरतश्च स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवये मुझ्यन्ति जत सूरयो तेजो बारी मृदम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वीन सदा निरस्त कुओकम सत्यं परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। कहते पहला श्लोक में श्री वल्लभाचार्य ये कृष्ण भक्त हैं, ये श्लोक को उन्होंने संपूर्ण कृष्ण में लगाया, बोले सत्यं परम धीमहि, हम किसको ध्यान करते हैं, कहते वो परम सत्य भगवान कृष्ण को हम सबके सब प्रणाम करते हैं, बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और उसे विष्णु जी जगत को पालन करते हैं, माया जगत को रचना करती है, हैं, इसलिए उन्होंने पूरा कृष्ण पर कृष्ण को पर लगाया, लेकिन हमारे श्रीमन महाप्रभु के भक्त श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि ये राधा रानी की परिचारिका है, कहते नहीं ये पहला श्लोक कृष्ण के लिए नहीं, हाँ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अगर पूर्ण रूप में विवेचना करोगे तो ये श्लोक श्री राधा जी के लिए, बोले कैसे आप बता रहे हो राधा जी के लिए, बोले जो श्लोक को बोलने वाले के, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी, बोले सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी हैं, इनका गुरु श्री राधा रानी, प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी के प्रिय सुख, इसलिए पहला नियम है प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चन कुर्वन सिद्धिमाप्नोति जन्नता निष्फल भवेत्। कृष्ण कहते हैं भगवान की आराधना करने से पहले पहले क्या करो, प्रथमंतु
गुरु पूज्यम, सबसे पहले गुरु जी को चरण में प्रणाम करनी चाहिए। कृष्ण कहते उसको बाद में मेरी पूजा करनी चाहिए, पर सुखदेव गोस्वामी का जो गुरु है कहते ये राधा रानी की ही तोता। अतः श्री सुख उबाच, श्री ही मतलब श्रीमती, राधा रानी बीच में मध्यपद लोप है, हाँ एक शब्द नहीं, और प्रिया, श्री प्रिया मतलब श्री राधा रानी की ये सुख है। इसलिए राधा रानी की तीन सुख है, कौन कौन है बोलो? कहते उनका एक है विचक्षण तोता है जो बड़े चतुर है, एक मंजुवासी तोता जो बहुत मीठी बोलता है, और एक तोता सुभा है जो मंगलदायी। ये जो तीन राधा रानी के ये तोते हैं, ये सारे मैसेज सब पहुंचाते रहते, आकाश में घूमते रहते, कहाँ कृष्ण गए, राधा रानी कहाँ गए, इनको मिलन कहाँ से होएगी, यहाँ के खबर वहाँ, वहाँ के सारे मैसेज ये सब भेजती रहती हैं। अलग अलग समय पर ये तोता अलग अलग काम करती हैं। इसलिए तब ये सबसे पहले राधा जी के चरण में तो प्रणाम करेगी ना, इसलिए ये श्लोक को बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये श्लोक श्रीमती राधा रानी के लिए। तब ये श्लोक को व्याख्या करते हैं, बोले सत्यं परम धीमहि, कि तो परम सत्य को हम ध्यान करते, बोले कौन है? कहते जो पर शब्द है, बोले पराम परम च इति पराम है, वो कहते हैं यहाँ जो ध्यान करते हैं भगवान की जो पराशक्ति राधा जी को प्रणाम करते हैं, इसलिए बोले देवी कृष्ण मयी प्रोक्त राधिका परा देवता। राधा रानी कौन है? कृष्ण की पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, लादिनी शक्ति है। इसलिए वो जो पराशक्ति श्रीमती राधा रानी को हम सबके सब ध्यान करते हैं, बोले वो कौन है? बोले जन्मादस्य जतः, मतलब है जन्मादस्य जतः, जतः मतलब जिनसे जन्म होता है, आद्य, आद्य रस मतलब होता है मूल रस है। मूल रस कौन सा रस है? बोले श्रृंगार रस है, मधुर रस है। ये मधुर रस कहाँ से प्रकट होता है? बोले ये श्रीमती राधा रानी से, सारे रस स्वरूपिणी से राधा रानी। इसलिए राधा रानी अमृत सिंधु, लावण्य सिंधु, रस सिंधु, सब सिंधु कौन है? ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए सारे रस कहाँ से प्रकट होता है? बोले राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी से ये सब रस, श्रृंगार रस प्रकट होता है। हैं बोले भैया रस कैसे होता है? रस कैसे होता है? बोले अन्यादितरतश्च, अन्यादितरतश्च मतलब जब श्रीमती राधा रानी कभी मान कर लेती हैं है? और कृष्ण क्या करते? अन्य रासलीला करते 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 राधा रानी जब मान कर लिया, देखा कृष्ण मेरे साथ में भी और कृष्ण सब गोपियों के साथ में भी कृष्ण, फिर मैं जो राधा हूँ फिर मेरा क्या महत्व है? कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण सबको साथ में कृष्ण है। और कभी कभी ऐसे आता है, एक दिन राधा रानी एक सुंदर फूलों की माला बनाई, माला बनाकर कृष्ण को गला में दिया, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, वो जो गले के जो माला को हैं उनने उतार करके एक वृक्ष के ऊपर लटका दिए। इतने में एक तोता क्या किया, वो माला को अपना चोंच में पकड़ करके उड़ते उड़ते जा रहा था। इतने में चंद्रावली ने देखा, अरे ये तो कृष्ण का प्रसादी माला। वो चंद्रावली वो अनार की लोभ दिखा करके वो तोते को बुलाया, बोले इधर आओ। वो देखा अनार है और उन्होंने अनार की लोभ देख करके ना वो फूलों की माला ले लिया और ले करके अपना जो चोटी में ना, अपना बेणी में चोटी में सुंदर रूप में फूलों की माला को उन्होंने श्रृंगार कर दी। इतने में ललिता सखी ने देखा, अरे ये माला तो राधा रानी है मदा करके श्याम सुंदर का पहनाए थे, लेकिन ये चंद्रावली का चोटी में कैसे आ गया? इतने में ललिता बोले हे राधिके, तुम इतने प्यार से प्रेम से माला बनाकर कृष्ण को पहनाया, देखो ये माला कहाँ पर है, ये श्याम सुंदर तो प्रेम करना नहीं जानते हैं। बस इसको देख करके राधा रानी के मान हो करके राधा रानी रास परित्याग कर दी। जब रास परित्याग कर दी, इतने में कृष्ण ने देखा रासेश्वरी तो श्रीमती राधा रानी है, अगर श्री राधा रानी चली गई तो फिर रास किसके लिए? इसलिए सब तो करोड़ों गोपी भी कृष्ण की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण ने रास त्याग दी है। कहाँ गए? बोले अन्यात, राधा रानी को पीछे 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 चल रहे राधा रानी को पीछे, हे राधे मान जाओ, हे राधे मान जाओ,
इसलिए राधा रानी को कृष्ण लेकर के श्रृंगार बट में गए और सुंदर सुंदर फूल चयन किए, राधा रानी को बेणी को गुंथे, सारा शरीर में फूलों के श्रृंगार की है। इसलिए कहते अन्यादितरतस्य रस तभी प्रकट होता है। कृष्ण तो बहुत सुंदर है, लेकिन कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ सुंदरता कब प्रकट होता है? रूप गोस्वामी कहते हैं जब श्री राधा रानी हैं, कहते राधा कृष्ण अनुकूल नायक हो, राधा रानी स्वाधीनी भत्रिका हो। स्वाधीनी भत्रिका मतलब है, भत्रिका मतलब प्रियतम, जब अपना प्रिया की अनुकूल बन जाए हैं। कृष्ण तो सुंदर है, लेकिन जब राधा रानी मान कर लेती हैं, जब श्याम सुंदर उनकी हाथ जोड़ करके हे राधे मान तुमने क्यों की, मान छोड़ दो, कृष्ण तो सुंदर है, लेकिन जब राधा रानी की पास में काकुति करते हैं, कहते कृष्ण का तब भी, कृष्ण का पूर्ण सुंदरता जो है ना तब भी प्रकट होता है, इसलिए माधुर्य जो पूर्ण तभी प्रकट होता है। इसलिए कह रहे हैं अन्यादितरतश्च तभी सारे रस तभी प्रकट होता है जब राधा रानी को श्याम सुंदर मनाते हैं। इसलिए ये श्लोक में पूरा श्री राधा रानी की महिमा गाए, अभी अभी जाएगी, इसलिए यहीं पर खत्म करते, कल इस श्लोकों की पूरी व्याख्या सुनेंगे कैसे ये श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा जी की महिमा को, राधा जी का नाम को कितने सुंदर रूप में दिया, हम इसको फिर हम कल सुनेंगे, ठीक है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वंशाकल कृपा सिंधु पतितानंग पावन भो वैष्णव भो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बंद कर दो, पंचावल कृपा सिंधु भाई बच्चों पत्ता नाम भाव निभो वैष्णव प्लस।